Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 14th June 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download May 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It talks about National Family Health Survey 5, especially focusing on Assam data. And this topic is important from our syllabus paper 6, Assam issues point of view. So, सबसे पहले इस article का context समझते हैं. तो देखिए, हमारे चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्व शर्मा साहब ने कहा कि हमारे स्टेट की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको पॉपुलेशन कंट्रोल पे ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे स्टेट के अंदर अनड्यू प्रेशर ना बने हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज के ऊपर, हमारे लैंड के ऊपर. इस पे फिर अपोजिशन पार्टीज ने क्रिटिसाइज़ करते हुए, चीफ मिनिस्टर साहब को क्रिटिसाइज़ करते हुए ये कहा कि हमारे स्टेट की पॉपुलेशन ऑलरेडी घट रही है धीरे धीरे, एंड दैट इज़ क्लियर फ्रॉम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 रिपोर्ट ऑन टोटल फर्टिलिटी रेट. तो सबसे पहले समझते हैं कि टोटल फर्टिलिटी रेट क्या चीज़ होती है. देखिए, टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज एक वुमन अपने रिप्रोडक्टिव साइकिल में कितने बच्चे पैदा करती है. तो टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ असम वॉज 2.2 इन 2015-16 अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट नंबर 4. अब हाल फिलहाल में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट नंबर 5 पब्लिश हुई है जिसके हिसाब से असम की टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 से घट करके 1.9 हो चुकी है. और ऐसा माना जाता है यूनाइटेड नेशंस के स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट के हिसाब से कि अगर टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 हो किसी भी स्टेट का या किसी भी कंट्री का तो उसको बोला जाएगा रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी, क्योंकि इस टोटल फर्टिलिटी रेट पे 2.1 टोटल फर्टिलिटी रेट पे पॉपुलेशन कांस्टेंट हो जाती है. मतलब ऑन एन एवरेज अगर एक वुमेन के 2.1 बच्चे हों, या अब एक वुमेन के 2.1 बच्चे कैसे ही हो सकते हैं, बच्चे फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकते, तो ये एवरेज नंबर है. मान लीजिए कि 10 वुमेन के 21 बच्चे या 100 वुमेन के 210 बच्चे हों ऑन एन एवरेज, तो आप मान के चल सकते हैं कि दैट इज़ रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी, और उस केस में पॉपुलेशन उस जगह का कॉन्स्टेंट रहेगा. ऐसा इसलिए है, आपको इंट्यूटिवली ऐसा लगेगा कि एक वुमेन के 2 बच्चे होंगे तब पॉपुलेशन कॉन्स्टेंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है. देखिए, कुछ ट्रांसजेंडर्स होते हैं जो बच्चे पैदा नहीं कर पाते, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अनमैरिड रहते हैं, तो इस कारण से टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ 2.1 इज़ कंसिडर्ड एज रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी लीडिंग टू कॉन्स्टेंट पॉपुलेशन. और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से हमारे स्टेट की टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 से घट करके 1.9 आ चुकी है, मतलब 2.1 से कम हो चुकी है, यानी कि ऑलरेडी हमारे स्टेट का पॉपुलेशन घट रहा है. और ऐसे टाइम में फिर अपोजिशन पार्टीज ने कहा कि जब ऑलरेडी हमारे स्टेट का पॉपुलेशन घट रहा है सो देयर इज़ नो पॉइंट और नो क्वेश्चन ऑफ एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन. और वैसे कॉन्टेक्स्ट में फिर पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करना अनड्यू है, अननेसेसरी है. तो इस तरीके से ये तो देखिए पॉलिटिकल बातें हुई कि चीफ मिनिस्टर साहब ने कुछ कहा, अपोजिशन पार्टी ने उसको कुछ क्रिटिसाइज़ किया. ये पॉलिटिकल बातें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है. इम्पॉर्टेंट है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये क्या होता है, और खासकर जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 है जो हाल फिलहाल में पब्लिश हुई है उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट डाटा हैं स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू असम, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो उनको एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले समझते हैं कि ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है क्या. देखिए, ये एक तरह का सैम्पल सर्वे है, मतलब कुछ एक फैमिलीज का डाटा कलेक्ट किया जाता है और उस सैंपल सर्वे के बेसिस पे फिर सरकार हेल्थ पॉलिसीज़ बनाती है. सैंपल सर्वे में कैसा है कि जाकर के पूछा जाता है कि आपके कितने बच्चे हैं, आपके क्या कोई डिजीज़ हुई थी क्या हाल फिलहाल में, क्या आपका न्यूट्रिशन लेवल है, तो इस तरीके से डाटा कलेक्ट किया जाता है, सैंपल डाटा कलेक्ट किया जाता है. देखिए, हर एक फैमिली से नहीं पूछा जाता, सैंपल लिया जाता है कुछ एक फैमिली का, तो इस तरीके से जाया जाता है, कुछ एक फैमिली से डाटा निकाला जाता है और उसके बेसिस पे फिर एक रिपोर्ट बनाई जाती है. उस रिपोर्ट जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के बेसिस पे फिर हमारी जो सरकार है खासकर हेल्थ मिनिस्ट्री वो अपनी हेल्थ पॉलिसीज़ बनाती है. जिस स्टेट में मान लीजिए टोटल फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है वहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल पे ध्यान देगी, जिस स्टेट में न्यूट्रिशन लेवल कम है वहाँ पे न्यूट्रिशन बढ़ाने पे ध्यान देगी. तो इस तरह से ये इस्तेमाल होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का. और इस काम के लिए एक एजेंसी को अपॉइंट करती है भारत सरकार, उस एजेंसी का नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस.
और जो पिछला नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे था, यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 4, दैट वाज पब्लिश्ड इन 2015-16, और ऑन एन एवरेज हर 5 साल पे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कराया जाता है, और यही कारण है कि 5 साल बाद 2020-21 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 कंडक्ट कराया जा रहा है। अभी ये प्रोसेस में है, पूरी तरह से कम्प्लीट नहीं हुआ है, कुछ डाटा पब्लिश हो चुके हैं, कुछ पब्लिश होना बाकी हैं। तो जरा देखते हैं सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स विथ रिस्पेक्ट टू आसाम पब्लिश्ड अंडर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5। इसको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट में कहा जाता है वाइटल स्टैटिस्टिक्स। तो देखते हैं वाइटल स्टैट्स ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू आसाम। तो आसाम के अगर ध्यान दिया जाए तो 61% फैमिलीज अडॉप्ट फैमिली प्लानिंग मेजर्स। तो ये देखिए आसाम यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है विद दिस एक्रोनिम AS। तो फैमिली प्लानिंग मेजर्स जो अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स होते हैं वो हमारे स्टेट के अंदर 61% फैमिलीज इनको अडॉप्ट करती हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 4 के हिसाब से ये फैमिली प्लानिंग मेजर्स अडॉप्ट करने वाली फैमिलीज़ की संख्या हमारे स्टेट में बढ़ी है। तो ये ब्लू कलर से नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का डाटा है और ये ऑरेंज कलर से नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 का डाटा है। तो आप देख सकते हैं कि फैमिली प्लानिंग हमारे स्टेट के अंदर थोड़ी बढ़ी है। यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है टोटल फर्टिलिटी रेट। तो देखिए ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करता है 2.1 टोटल फर्टिलिटी रेट, दैट इज़ ए रिप्लेसमेंट रेट। और पिछला जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 4 था वहाँ पे हमारी टोटल फर्टिलिटी रेट थी 2.2, जो घट करके 1.9 आ चुकी है, यानी कि धीरे धीरे अब हमारी पॉपुलेशन घटेगी। तो जिन स्टेट्स की भी टोटल फर्टिलिटी रेट इस लाइन से नीचे है, आप मान के चलिए कि आने वाले टाइम में उन स्टेट्स की पॉपुलेशन अब धीरे धीरे घटेगी। ऑन एन एवरेज आप देखिए कि ज़्यादातर स्टेट्स की अब टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो इस रिप्लेसमेंट रेट से नीचे जा चुकी है, एक्सेप्ट फ्यू स्टेट्स लाइक बिहार और मेघालय। उसके अलावा अगर बात की जाए सेक्स रेशियो एट बर्थ की, सेक्स रेशियो एट बर्थ का मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज कितने वीमेन पैदा, कितनी गर्ल चाइल्ड पैदा हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू 1000 मेल चाइल्ड। तो पिछले 5 सालों का सेक्स रेशियो एट बर्थ देखा जाए, यानी कि पिछले 5 सालों में ऑन एन एवरेज हर 1000 मेल चाइल्ड पे कितनी गर्ल चाइल्ड पैदा हुई हैं, तो आपको पता चलेगा कि आसाम के अंदर सेक्स रेशियो एट बर्थ इज़ नाउ 964। इसका मतलब ये है कि पिछले 5 सालों में ऑन एन एवरेज अगर हर 1000 मेल चाइल्ड पैदा हुए तो 964 गर्ल चाइल्ड पैदा हुई। और ये जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है ऑफ 5 ईयर्स वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू आसाम इन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 4 एंड विथ रिस्पेक्ट टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5। तो ये अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पे सेक्स रेशियो एट बर्थ थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। उसके अलावा अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात की जाए, खासकर डिलीवरीज की, जो बच्चे पैदा होने वाले होते हैं उस मेडिकल फैसिलिटी की बात की जाए, तो पता चलेगा कि उसमें हमारे स्टेट का परफॉर्मेंस थोड़ा ख़राब रहा है। देखिए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हैज़ इंक्रीज टू ₹5,415 फॉर डिलीवरी। तो मतलब ऑन एन एवरेज एक परिवार ने, एक बच्चा जब पैदा हो रहा था तो उसमें कितना पैसा उनको खर्च करना पड़ा उस बच्चे की डिलीवरी कराने के लिए, उसको कहा जाता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। जो पिछले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 4 के हिसाब से नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 में इंक्रीज हुआ है। देखिए पिछले बार जब सर्वे की गई थी तो लगभग 3000 से कम खर्च करना पड़ता था उन्होंने एवरेज एक परिवार को बच्चे पैदा कराने के लिए जब वो सरकारी अस्पतालों में जाते थे तब। रीड दिस व्हाट इट सेज, इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स एंड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन डिलीवरी इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, मतलब सरकारी हेल्थ फैसिलिटीज में, सरकारी अस्पतालों में कितना खर्चा उनको उठाना पड़ता था वो बढ़ा है, लगभग 5,500 हो गया है अब सरकारी अस्पतालों में भी बच्चे की डिलीवरी कराने का खर्च। उसके अलावा ये जो ग्राफ है ये बताता है, इसमें देखिए ये बताता है कि कितनी अभी भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है हमारे स्टेट के अंदर। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मतलब अस्पतालों में कितनी बच्चे पैदा होते हैं, तो आपको पता चलेगा कि लगभग 81% चिल्ड्रेन आर नाउ हैविंग और गेटिंग डिलीवर्ड थ्रू इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म या अस्पतालों में अंडर सुपरविजन ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स पैदा हो रहे हैं। अभी भी हमारे स्टेट के अंदर 20% के आसपास ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो घरों में अनसाइंटिफिक अनहाइजीनिक सर्कमस्टांसेज में विदाउट प्रॉपर
सर्टिफाइड मेडिकल सुपरविजन के उनकी डिलीवरी होती है। जैसे गांव घरों में आप देखते हैं दाई माँ के सुपरविजन के अंतर्गत वो सेफ नहीं होता है, उसमें बच्चे कई दफ़ा उनके ओवरऑल लाइफ थ्रेटनिंग होता है बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी। तो अभी भी हमारे स्टेट के अंदर ये कंडीशन जो है वो थ्रेटनिंग है कि 20% बच्चे ऑन एन एवरेज अभी भी नॉन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में उनका जन्म होता है। एंड दिस प्रूव्स दैट कि हमारे स्टेट के अंदर अभी भी जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं है या ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। तो क्या है ये जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, समझते हैं। ये एक स्कीम है भारत सरकार की जिसको 2011 में लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के अंतर्गत फोकस किया जा रहा था कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको पूरी तरह से सरकारी हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जाएँ और उनके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को जीरो कर दिया जाए। तो इस जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में टारगेट क्या रखा गया कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होंगी उनको डिलीवरी के टाइम में पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में यानी कि सरकारी अस्पतालों में एब्सोल्युटली फ्री तरीके से उनको सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी इंक्लूडिंग सीजेरियन सेक्शन। तो अगर ऑपरेशन करके बच्चा पैदा कराना पड़ रहा है, सीजेरियन बच्चा भी पैदा कराना पड़ रहा है, तो भी सारी सुविधाएँ उनको फ्री में मुहैया कराई जाएँ इफ़ दे गो टू अ पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन या फिर सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो। लेकिन अब ये तो हो गया स्कीम कि स्कीम ऐसा कहता है कि आप अगर सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो आपको कोई खर्च नहीं करना है बच्चे की डिलीवरी के लिए। लेकिन जब ग्राउंड पे सर्वे किया जाता है तो पता चलता है, अलग अलग परिवारों से पूछा जाता है कि आपने कितना पैसा खर्चा किया जब आपका बच्चा पैदा हुआ, और इस तरह से जब रिपोर्ट पब्लिश होती है तो पता चलता है कि ऑन एन एवरेज एक परिवार ने लगभग 5,500 रुपये खर्च किए हैं। एंड दैट इज़ ए क्लियर कट इंडिकेटर कि हमारे स्टेट के अंदर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम पूरी तरह से फंक्शनल नहीं है। उसके अलावा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज जब बच्चे पैदा होते हैं तो कितने बच्चे जन्म के तुरंत बाद या कुछ दिनों बाद मर जाते हैं। तो ऑन एन एवरेज 1000 बच्चों पे कितने बच्चे ऑन एन एवरेज मर जाते हैं। तो जैसे देखिए हमारे स्टेट के अंदर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट काफ़ी अच्छा हमने इम्प्रूवमेंट इसमें दिखाया है, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 4 के टाइम में हमारे स्टेट असम में इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट थी 48, मतलब हर 1000 बच्चों के जन्म पे लगभग 48 बच्चे ऐसे होते थे जिनकी डेथ हो जाती थी। लेकिन अब उसको हमने काफ़ी इम्प्रेसिव तरीके से घटा करके 32 पे ले आए हैं। तो इट्स अ गुड इंडिकेटर वेयर वी हैव रजिस्टर्ड गुड इम्प्रूवमेंट। केरला में तो बहुत अच्छा ये इंडिकेटर है, ऑन एन एवरेज लगभग बस 4 बच्चों की डेथ होती है ऑन पर 1000 लाइफ बर्थ। उसके अलावा अगर न्यूट्रिशन लेवल की बात की जाए बच्चों के अंदर, तो स्टंटेड बच्चे, स्टंटेड का मतलब होता है दोज हु हैव लो हाइट फॉर देयर एज, अपने एज के हिसाब से जिनकी हाइट कम हो। देखिए एक नॉर्मल बच्चा है ये बच्चा, इसको कहा जाएगा स्टंटेड। अगर इसकी एज के हिसाब से इसकी हाइट कम हो तो इस बच्चे को कहा जाएगा वेस्टेड। अगर इसकी हाइट के हिसाब से इसका वेट कम हो तो इसको कहा जाएगा वेस्टेड। तो अगर स्टंटेड बच्चों की बात की जाए हमारे स्टेट के अंदर, तो स्टंटेड बच्चों की जनसंख्या लगभग 34% है। तो आज भी हमारे स्टेट के अंदर 34% ऐसे बच्चे हैं जिनकी हाइट उनके एज के हिसाब से कम है, एंड दिस इज एन इंडिकेटर ऑफ पुअर न्यूट्रिशन। अगर लेकिन फिर भी इसमें अच्छी बात तो कम से कम ये है कि स्टंटेड का परसेंटेज पॉपुलेशन घटा है, 35% से 34% हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 एंड नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। लेकिन अगर वेस्टेड की बात की जाए, मतलब लो वेट फॉर हाइट, तो लो वेट फॉर हाइट में हम देखेंगे कि हमारे स्टेट के अंदर वेस्टेड बच्चों की परसेंटेज पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, एंड नाउ अबाउट 9.1% इन आवर स्टेट, 9.1% चिल्ड्रेन इन आवर स्टेट आर वेस्टेड, मतलब दे हैव लो वेट फॉर हाइट। तो वेस्टेड है 9.1%, और ये मतलब ये मैटर ऑफ कंसर्न इसलिए है क्योंकि ये पॉपुलेशन बढ़ी है इन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 विथ रिस्पेक्ट टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 4। उसके अलावा अगर ओवरऑल ओबेसिटी लेवल की बात की जाए, ओबेसिटी आई होप आपको पता होगा अपने ओवरऑल जो बॉडी मास इंडेक्स होनी चाहिए वो हाइयर साइड पे हो तो उसको हम लोग कहते हैं ओबेसिटी, अपनी हाइट के हिसाब से वजन ज़्यादा हो तो उसको हम लोग कहते हैं ओबेसिटी। तो ओबेसिटी की अगर बात की जाए असम के अंदर, तो लगभग 15% वीमेन आर ओबेस्ड एंड 16% मेन आर ओबेस्ड। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो असम के अंदर सैनिटेशन, हाउस होल्ड्स हैविंग इम्प्रूव्ड सैनिटेशन,
हाउसहोल्ड्स हैविंग इंप्रूव्ड सैनिटेशन का मतलब ये है कि ऐसे परिवार जहाँ पे सेपरेट उनके यहाँ पे लैट्रिन या टॉयलेट की व्यवस्था है विथ सप्लाई ऑफ वाटर, उसकी संख्या अब 69% है। देखिए बहुत सारे ऐसे हाउसहोल्ड्स भी होते हैं जहाँ पे टॉयलेट तो है लेकिन पानी का सप्लाई नहीं है, तो वैसे टॉयलेट का क्या फ़ायदा। तो अभी हमारे स्टेट के अंदर लगभग 69% ऐसे हाउसहोल्ड्स हैं दैट आर हैविंग इंप्रूव्ड सैनिटेशन फैसिलिटी, मतलब हैविंग प्रॉपर टॉयलेट विद सप्लाई ऑफ वाटर, और ये नंबर काफ़ी इंक्रीज हुआ, लगभग 50% था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 4 में, जो बढ़ करके 69% हुआ है इन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5। अगर इंटरनेट फैसिलिटी की बात की जाए तो हमारे स्टेट के अंदर लगभग 28% ऐसी वीमेन हैं हु हैव नाउ एक्सेसिबिलिटी टू इंटरनेट एंड 42% मेन हैं हु आर नाउ हैविंग एक्सेसिबिलिटी टू इंटरनेट। तो ये दो इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमने पॉजिटिव ग्रोथ रजिस्टर किया है, सैनिटेशन और इंटरनेट फैसिलिटी में। उसके अलावा वीमेन रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट डाटा हैं। वीमेन रिलेटेड डाटा में सबसे पहले देखिए प्रोपोर्शन ऑफ वीमेन हु ओन अ मोबाइल फ़ोन दैट दे यूज देम सेल्फ, यानी कि खुद के पर्सनल इस्तेमाल के लिए वुमेन के पास एक्सक्लूसिवली कितनी वुमेन ऐसी हैं जिनके पास खुद के इस्तेमाल के लिए मोबाइल फ़ोन है। तो अब हमारे स्टेट के अंदर 57% ऐसी वुमेन हैं जिनके पास खुद के इस्तेमाल के लिए उनका खुद का मोबाइल फ़ोन है, और ये संख्या बढ़ी है विथ रिस्पेक्ट टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 4, तो दैट इज़ ऑल्सो ए पॉजिटिव साइन। उसके अलावा हमारे स्टेट के अंदर अब 79% ऐसी वुमेन है जिनका अपना सेविंग बैंक अकाउंट है, और ये संख्या काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 4। पिछले रिपोर्ट के हिसाब से हमारे यहाँ पे 50% से कम ऐसी वुमेन थी जिनका अपना खुद का सेविंग बैंक अकाउंट था, तो इसमें अच्छा इंप्रूवमेंट है, दैट इज़ एन इंडिकेटर कि वुमेन का फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारे स्टेट में बढ़ रहा है। उसके अलावा प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन ओनिंग अ लैंड और हाउस, ये संख्या थोड़ी सी घटी है। पिछले बार ये लगभग 50% के आसपास था ऐसी वुमेन, कम से कम 50% ऐसे वुमेन थे जिनके नाम पे कोई ज़मीन या कोई हाउस था, वो घट करके 43% हो गया है। और प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन यूजिंग हाइजेनिक मेथड्स ऑफ प्रोटेक्शन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड, जिसको हम लोग पीरियड्स पॉवर्टी कहते हैं, तो हमारे स्टेट के अंदर 66% ऐसी वुमेन हैं अभी भी जिनके पास अब सेफ मेथड्स हैं फॉर प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, लेकिन 34% वुमेन ऐसी भी हैं जो अभी भी हमारे स्टेट के अंदर पीरियड पॉवर्टी फेस कर रही हैं, मतलब दे यूज अनहाइजीनिक मेथड्स ऑफ प्रोटेक्शन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड लाइक रैक्स एंड एनी अदर क्लोथ्स, हाउसहोल्ड क्लोथ्स दैट मे लीड टू सम हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस। तो ये डाटा का इस्तेमाल मुझे लगता है कि आंसर राइटिंग में आराम से आपको करने को मिल सकता है, एसे में भी आप कर सकते हो। 34% वीमेन फेसिंग पीरियड्स पॉवर्टी। उसके अलावा प्रोपोर्शन ऑफ वीमेन हु हैव एवर फेस्ड स्पाउसल वॉयलेंस, तो कितनी ऐसी वीमेन हैं हु हैव बीन सब्जेक्टेड टू डोमेस्टिक वॉयलेंस, तो इसकी संख्या भी थोड़ी सी बढ़ी है। पिछले रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 25% ऐसी वीमेन थी हु आर सब्जेक्टेड टू डोमेस्टिक वायलेंस, दैट हैज इंक्रीज टू 32% अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5। अब ये सारे डाटा एक बार में तो याद नहीं होंगे, लेकिन अगर इनको धीरे धीरे आप याद कर लोगे तो मेंस में बड़ा काम आएगा। जब भी आप कोई आंसर लिख रहे हो, आप मान लीजिए न्यूट्रिशन पे सवाल लिख रहे हो आसाम स्टेट के अंदर, या वीमेन के स्टेटस पे आप ऐसे लिख रहे हो, वहाँ पे जब आप डाटा कोट करोगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 का, तो एग्जामिनर इंप्रेस होगा और आपको अच्छे नंबर देगा। और डाटा में ब्लफिंग मत करना, एग्जामिनर तुरंत पकड़ लेगा। तो डाटा एग्जैक्ट याद हो तो ही लिखना, ब्लफ मत करना। जैसे हाउसहोल्ड में भी लिखा बता सकते हो कि वीमेन ओवरऑल प्रॉपर्टी होल्ड करने वाली वीमेन की संख्या घट रही है, दैट इंडिकेट्स कि वीमेन की इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी थोड़ी बढ़ रही है। तो इस तरीके से जब एग्जैक्ट डाटा आप कोट करोगे तो एग्जामिनर इंप्रेस होगा। तो इस टॉपिक के बेसिस पे ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने दे रखा है, इसको आप अटेम्प्ट कीजिए। जो कुछ भी हमने अभी तक डिस्कस किया उसके बेसिस पे आप आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, और आप अपना आंसर टेलीग्राम ग्रुप में डाल सकते हैं फॉर पीयर टू पीयर रिव्यू। ये पीटी प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने दे रखा है, इसको अटेम्प्ट कीजिए और आप अपना आंसर आज के वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट, इट इज़ अबाउट इटालियन मरीनर केस एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर 3 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस आर्टिकल का बैकग्राउंड समझते हैं। देखिए 2012 में ऑन 15 फरवरी 2012 एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें इटली के दो मरीनर्स या मर्चेंट नेवी के लोग, इनका नाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इटालियन नाम है और नाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये दो इटालियन मरीनर्स ये एक वेसल पे, मर्चेंट वेसल पे थे, उस वेसल का नाम था एनरिका लेक्सी,
हो सकता है कि इस वेसल का नाम आपसे पूछ ले, तो ये वेसल का नाम याद रखना इनरिका लेक्सी। और ये इनरिका लेक्सी जो वेसल है ये केरला कोस्ट के पास पहुंच गया, और केरला कोस्ट के पास इस इनरिका लेक्सी वेसल को एक दूर से दूसरा सिप दिखा, और इनको लगा कि वो जो सिप है वो पायरेट्स का सिप है, मतलब ये इनको लूटने आए हैं, और इनको ऐसा लगा। और इस कारण से इन दोनों जो मरीनर्स थे, जो मर्चेंट नेवी के ऑफिसर्स थे, इन्होंने फायरिंग कर दी, और उस फायरिंग में फिर जो लोग थे दूसरे सिप पे वो मारे गए, कुछ लोग, दो लोग इनफैक्ट मारे गए। बाद में पता चला कि जिस सिप जिसको इन्होंने पायरेट्स का सिप समझ लिया था, एक्चुअली वो मछुआरों का सिप था। उस सिप का नाम था सेंट एंटोनी, और उस पर मछुआरे थे जो फिशिंग कर रहे थे केरला कोस्ट पे, और इस फायरिंग में दो फिशरमैन की डेथ हो गई। अब जब फिशरमैन की डेथ हो गई तो केरला पुलिस ने इन दोनों को अरेस्ट कर लिया, इनके खिलाफ फिर मर्डर केस का चलाना शुरू कर दिया गया अंडर आईपीसी सेक्शन 302। अब यहाँ पे डिस्प्यूट हो गया, इटालियन सरकार ने डिस्प्यूट किया। इटालियन सरकार ने कहा कि ये जो इंसिडेंट हुआ है ये हुआ है इंटरनेशनल वाटर में, ये आपके कंट्री में नहीं हुआ है। आपको पता है कि टेरिटोरियल वाटर अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी इज ओनली अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, और ये इंसिडेंट हुआ था लगभग 20 नॉटिकल माइल दूरी पे हमारे केरला कोस्ट से। तो जब हमारी केरला सरकार ने केस रजिस्टर कर दिया तो फिर इटली सरकार ने इस पर क्वेश्चन रेज किया कि आप कैसे केस रजिस्टर कर सकते हैं, ये केस तो आपके ज्यूरिडिक्शन में हुआ ही नहीं है। और इस कारण से ये मैटर जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाना चाहिए, किसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाना चाहिए, डोमेस्टिक ज्यूरिडिक्शन डोमेस्टिक कोर्ट्स में नहीं जाना चाहिए। भारत सरकार कुछ और कह रही थी कि नहीं नहीं ये हमारे टेरिटोरियल वाटर में नहीं हुआ तो क्या हुआ, हमारे कॉन्टिजियस वाटर में तो हुआ है। आपको पता है कि 24 नॉटिकल माइल्स तक कॉन्टिजियस वाटर होता है, तो वहाँ पे तो हुआ, इस कारण से हमारा केस है। तो इस कारण से दोनों साइड्स को लेकर के थोड़ा डिस्प्यूट हो गया था इंडिया और इटली के बीच में, और इस कारण से थोड़ा सा हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी स्ट्रेन हो रहा था। इंडिया ने अपने देश के अंदर केस चलाना शुरू किया इन दोनों को अरेस्ट करके, और इटली ने यह मैटर जो है फिर एक परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में डाल दिया अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी। फिर वो जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर था उसका फैसला आया पिछले साल। उस बीच में हुआ क्या, फिर से समझिए जरा सा, 2012 में तो ये इंसिडेंट हुआ और फिर केरला पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया, 3 साल तक ये हमारे देश में ही रहे, 2012 से लेकर के 15 तक। जब 15 में इटली ने ये मामला जो है इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर में डाल दिया था, उसी टाइम इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर ने ये फैसला सुना दिया था कि इन लोगों को रिलीज कर दिया जाए और इनको इटली वापस भेज दिया जाए, इनके ऊपर कोई अभी जो भी कार्रवाई होगी, जो भी अभी केस चलेगा उस दौरान इनको इंडिया के जेल में रहने की ज़रूरत नहीं है। तो मुद्दा ये है कि 2012 से 15 तक ये इंडिया के जेल में रहे, फिर 15 से इन लोगों को इटली भेज दिया गया और इनके ऊपर केस चलता रहा साइमल्टेनियसली इंडियन कोर्ट्स में और इटली द्वारा लगाया गया केस इन परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो पिछले साल परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में फैसला आया और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने इंडिया के इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया कि इनके खिलाफ इंडियन कोर्ट में केस होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये मामला हुआ है इंटरनेशनल वाटर में तो इंडियन कोर्ट में इनके खिलाफ केस नहीं होना चाहिए। उसके अलावा वैसे भी चूंकि ये फॉरेन ऑफिसर्स हैं तो इनको ऑफिशियल इम्यूनिटी है और इस कारण से इनके खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। ये फैसला आया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जो इटली लेकर के जहाँ पे ये केस गया था, जबकि ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने ये भी कहा कि इन दोनों के खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं होने चाहिए, लेकिन जो लोग भी मारे गए हैं उनको थोड़ा बहुत मॉनेटरी कंपनसेशन ज़रूर मिलना चाहिए। जो सेंट एंटनी वेसल जो इंडियन वेसल था उसके मछुआरे जो मारे गए उनको मॉनेटरी कंपनसेशन ज़रूर मिलना चाहिए। अब करंट न्यूज इसी से रिलेटेड है। तो पिछले साल तो इटली जहाँ पे केस लेकर के गया था वहाँ फैसला आ गया, अब इंडिया के अंदर जो एक केस धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया था क्योंकि इंटरनेशनल मैटर बन गया तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि जो लोग भी मारे गए थे इन दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट उनको टोटल 10 करोड़ का कंपनसेशन मिलना चाहिए, और इस पर फिर इटली सरकार ने 10 करोड़ का कंपनसेशन दे दिया। जो दो मछुआरे थे उनके परिवार वाले को 4-4 करोड़ दिए गए और जो वेसल था
जो शिप था सेंट एंटनी शिप, जिस पे इन दोनों मछुआरे को की डेथ हुई थी, उस शिप के ओनर को 2 करोड़ रुपए दिए गए और इसके साथ ही ये केस अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो मुद्दा ये है कि ये दोनों इटालियन मरीनर अब पूरी तरह से फ्री हो गए हैं, इटली ने 10 करोड़ का कंपनसेशन दिया है और अब ये मामला बंद हो गया। ये फैसला पिछले साल परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ही आ गया था कि इनके खिलाफ कोई केस अब नहीं होगा। हाँ, कंपनसेशन देना बाकी था जो अब दे करके मामले को बंद कर दिया गया है। तो एक बार फिर से न्यूज में है तो हो सकता है कि आपसे पीटी में पूछ ले या फिर इंडिया इटली रिलेशंस पे कभी मान लीजिए मेंस में सवाल आ जाए तो आप लिख सकते हैं कि इटालियन मरीनर केस के कारण थोड़े बहुत डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमारे स्ट्रेंड हो गए थे वे बैक इन 2012। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अगेन टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट, इट इज अबाउट ओपन सोसाइटीज रिजोल्यूशन ऑफ G7 एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर 3 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस आर्टिकल का पहले बैकग्राउंड समझते हैं। आपको तो पता है कि G7 कंट्रीज़ की मीटिंग चल रही है, हाल फिलहाल में हुई है इन UK, कॉर्नवालिस रीजन ऑफ UK। G7 कंट्रीज़ कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और US एंड यूनाइटेड किंगडम, ये 7 G7 कंट्रीज़ थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे इस G7 मीटिंग में। उसके अलावा 4 गेस्ट नेशंस को इनवाइट किया गया था, इंडिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया से हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने पार्टिसिपेट किया था वहाँ पे फिजिकली, जबकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया था इस G7 मीटिंग में। अब करंट न्यूज़ क्या है? कई सारे फैसले लिए गए G7 इस मीटिंग में, उसमें से एक फैसला लिया गया रिगार्डिंग ओपन सोसाइटी। सो अ ज्वाइंट स्टेटमेंट by the G7 countries was released, a joint statement या एक resolution by the G7 countries was released जिसका नाम दिया गया open societies। इस joint statement में क्या कहा गया कि the statement referred to the politically motivated internet shutdowns as one of the threats to freedom and democracy। तो कई दफ़ा होता क्या है कि सरकारें जब देखती हैं कि लोग उसके खिलाफ हो रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो सरकारें उस एरिया में इंटरनेट शटडाउन कर देती हैं ताकि लोग आपस में कम्युनिकेट ना कर पाएँ और उस प्रोटेस्ट को आगे ना ले जा पाएँ। तो इंटरनेट शटडाउन को और ख़ासकर पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंटरनेट शटडाउन को कहा गया कि ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के खिलाफ है और ये मॉडर्न टाइम्स में ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इंडिया के लिए एक तरह से एक एम्बेरसिंग सिचुएशन हो गया। इट वॉज़ वेरी एम्बेरसिंग सिचुएशन फॉर इंडिया क्योंकि इंटरनेट शटडाउन में इंडिया सबसे आगे है। पिछले साल की अगर बात की जाए 2020 की, तो अकॉर्डिंग टू एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इंटरनेट शटडाउन ट्रैकर, पूरे दुनिया भर में जो 155 इंटरनेट शटडाउन हुए उसमें से अकेला 109 इंटरनेट शटडाउन तो इंडिया में हुए। इंटरनेट शटडाउन आपको आई होप याद होगा कैसे हमारे यहाँ पे जब 2019 दिसंबर में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो 5-6 दिनों के लिए सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया था। तो इस तरह के अलग अलग जगहों पर जब भी कुछ प्रोटेस्ट होता है तो सरकार इंटरनेट बंद कर देती है। तो इस तरह के 109 इंटरनेट शटडाउन तो पिछले साल अकेले हमारे देश में हुए हैं आउट ऑफ 155 इंटरनेट शटडाउन अक्रॉस द वर्ल्ड। दूसरे नंबर पे है येमेन जहां पे 6 इंटरनेट शटडाउन हुए, तीसरे नंबर पे इथोपिया जहां पे 4 इंटरनेट शटडाउन हुए और हमारे यहाँ अकेले 109 इंटरनेट शटडाउन हुए। यहाँ पर नेचुरली आपके मन में ख्याल आएगा कि सर चाइना कैसे पीछे रह गया यहाँ पर इंटरनेट शटडाउन में। तो देखिए चाइना इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से शटडाउन करता है इंटरनेट की ये बात भी बाहर नहीं जा पाती कि उन्होंने कितने बार इंटरनेट शटडाउन किया है। दे हैव सच अ ओपेक सिस्टम, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है तो कुछ भी सब बाहर आ ही नहीं पाता। इसीलिए कहते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। एक तो उनका ग्रेट वॉल है जो उनका फिजिकल ग्रेट वॉल है वो तो है ही है, उसके अलावा दे हैव क्रिएटेड अ वर्चुअल ग्रेट वॉल, उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लेकर के भी इंफॉर्मेशन बाहर में बिल्कुल नहीं जाते। तो चाइना तो इस काउंटिंग से बाहर है, लेकिन इंडिया चूंकि ट्रांसपेरेंसी हमारे यहाँ पे पता चल गया कि हमारे यहाँ पे 109 इंटरनेट शटडाउन हुए और इस तरह का जब स्टेटमेंट लाया जा रहा था तो हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए थोड़ा एम्बेरेसिंग सिचुएशन हो गया जब ये सब बात कर रहे हैं कि ओपन सोसाइटीज़ में इंटरनेट शटडाउन जो है वो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। तो फिर जब हमारे प्रधानमंत्री जी की बोलने की बारी आई तो इन्होंने इंडिया को थोड़ा जस्टिफाई किया। इन्होंने कहा कि देखिए इंटरनेट शटडाउन नो डाउट डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, लेकिन साथ ही साथ देर आर सो मेनी वल्नरेबिलिटीज एज वेल ऑफ ओपन सोसाइटीज। अगर सोसाइटी में सब लोगों को जो मर्जी आए वो बोलने को छोड़ दिया जाए और ये जो मॉडर्न एज है वो डिजिटल मीडिया का एज है, इंटरनेट का एज है, जहाँ पे हर इंसान फ्री है कि जो मर्जी आए वो बोल सके और मास लेवल पे इसको सर्कुलेट करे, तो इसके कुछ अपने वल्नरेबिलिटीज भी हैं, खतरे भी हैं। खतरा है फेक न्यूज़ का, साइबर अटैक का
और इससे होता क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है और पूरी की पूरी डेमोक्रेसी खतरे में आ सकती है। आप तो देखते होंगे कभी कई दफ़ा किस तरह के फेक न्यूज़ प्रमोट कर दिए जाते हैं, उस कारण से समाज में फिर कन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता है, डिसहार्मनी बढ़ जाती है। तो मोदी जी ने इस मुद्दे पे भी दुनिया के जो लीडर्स हैं, G7 के लीडर्स हैं, उनका व्यू पॉइंट अट्रैक्ट किया कि भाई ठीक है इंटरनेट शटडाउन नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी के लिए, लेकिन अगर इंटरनेट को पूरी तरह से अनचेक्ड छोड़ दिया गया, अनरेगुलेटेड छोड़ दिया गया, तो भी डेमोक्रेसी को खतरा है, क्योंकि जो आदमी जो मर्जी आएगा वो कह सकता है। आजकल तो आपको पता है डीप फेक का ज़माना है, फर्जी वीडियो का ज़माना है, और इस तरीके से अगर सरकारें बिल्कुल भी चेक करना छोड़ दें, अनरेगुलेट करना छोड़ दें, तो डेमोक्रेसी को सपोर्ट के बजाय डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर खतरे में आ जाएगी। सो इस तरीके से मोदी जी ने अपने इंडिया के व्यू पॉइंट को जस्टिफाई किया रिगार्डिंग सो मेनी इंटरनेट शटडाउन्स कि भाई हम कर रहे हैं डेमोक्रेसी को दबाने के लिए नहीं, हम कर रहे हैं डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कि कोई लोग गलत न्यूज़ फेक न्यूज़ करके हमारे लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब ना करें, डेमोक्रेसी को खतरे में ना डालें। तो ये सब बातें कहने के बाद फिर इंडिया ने ये जो ज्वाइंट स्टेटमेंट था उसको साइन कर दिया, ज्वाइंट स्टेटमेंट जिसका नाम है ओपन सोसाइटी, जिसको साइन कर दिया। लेकिन इंडिया ने अपना व्यू पॉइंट भी सामने रखा कि हम क्यों इंटरनेट शटडाउन करते हैं। अब मुझे लगता है कि इस बार मेंस में एक प्रैक्टिस ये सवाल पक्का आ सकता है इन वन वे और अदर कि इंटरनेट शटडाउन इज ए थ्रेट टू ओपन सोसाइटी डिस्कस इन लाइट ऑफ रिसेंट G7 समिट। अगर ये G7 समिट का नाम मेंशन किया तब तो ठीक है, अगर नहीं भी मेंशन किया है और सवाल इस तरह का है कि इंटरनेट शटडाउन इज ए थ्रेट टू ओपन सोसाइटी, उस केस में भी आपको G7 समिट को मेंशन करना है और फिर इंडिया का क्या व्यू पॉइंट है वो भी बताना है। तो इस तरीके से मैंने हिंट्स दे रखा है सवाल को सॉल्व करने के लिए। ब्रीफली पहले बता देना कि G7 स्टेटमेंट क्या था ओपन सोसाइटीज़ को लेकर के, उसमें इंडिया का स्टैंड क्या था, फिर बताना कि इंटरनेट शटडाउन्स का क्या जरूरी होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। लेकिन हाँ, इंटरनेट शटडाउन के अपने कुछ निगेटिव आउटकम्स भी हैं, जैसे कि इकोनॉमिक आउटकम है, कितने सारे इकोनॉमिक बिजनेसेस अब इस पर चल रहे हैं जैसे कि ओला, उबर, स्विगी, तो इंटरनेट शटडाउन पे सब बंद हो जाते हैं। इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी है, निगेटिव इम्पैक्ट, हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो वायलेट होता है। तो इसी कारण से हमें थोड़ा बैलेंस्ड अप्रोच लेने की ज़रूरत है इंटरनेट शटडाउन को लेकर के। पूरी तरह से इंटरनेट शटडाउन करने के बजाय वो पार्शियल इंटरनेट शटडाउन किया जाए, वो प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जिनके पास पोटेंशियल है लॉ एंड ऑर्डर खराब करने का, उनको बंद किया जाए। पूरी तरह से इंटरनेट शटडाउन करने से, ब्लैंकेट बैन करने से अब स्विगी को बंद करके क्या फ़ायदा, मान लीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है उसमें स्विगी को बंद करके क्या फ़ायदा, ओला उबर को बंद करके क्या फ़ायदा, वहाँ से तो मैसेजेस स्प्रेड नहीं हो रहे हैं। तो रादर देन गोइंग फॉर कंप्लीट इंटरनेट शटडाउन, द गवर्नमेंट शुड गो फॉर पार्शियल इंटरनेट शटडाउन एंड दिस इज पॉसिबल, इसमें कोई टेक्निकल कोई खास प्रॉब्लम है नहीं। और दूसरा, हमारे जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस है, उसको और ज़्यादा ट्रेन किया जाए ताकि फेक या इन्फ्लेमेटरी मैसेजेस को वो पहले ही चेक कर लें, रादर देन गोइंग फॉर कंप्लीट इंटरनेट शटडाउन। अगर APSC में आंसर लिख रहे हो आप तो फिर यहाँ पे जरूर मेंशन कर देना कि हाल फिलहाल में असम पुलिस लेकर के आई है साइबर ड्रोन प्रोजेक्ट इन ऑर्डर टू टैकल सच प्रॉब्लम्स लाइक फेक एंड इन्फ्लेमेटरी मैसेजेस। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट, इट इज़ अबाउट पैसिफाई एक्सपेरिमेंट एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्या है पैसिफाई? पैसिफाई का फुल फॉर्म है पोलर एरिया स्टेलर इमेजिनिंग इन पोलराइजेशन हाई एक्यूरेसी एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट में कहें तो पैसिफाई। पैसिफाई इज एन इंटरनेशनल कोलेबोरेटिव स्काई सर्विंग प्रोजेक्ट। नाम से आपको पता चल रहा है कि दुनिया के कई सारे एजेंसी और साइंटिस्ट कॉस्मोलॉजिस्ट कोलैबोरेट करेंगे और स्काई को ऑब्जर्व करेंगे, आसमान को ऑब्जर्व करेंगे, और आसमान में जो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं उनसे आने वाले जो लाइट हैं, खासकर पोलराइज्ड लाइट, उसको ऑब्जर्व करेंगे। देखिए पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, ये थोड़ा टेक्निकल हो रहा है, ध्यान से समझिए, और समझ आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं भी आता है तो भी बताइए, देखते हैं। तो देखिए, लाइट आपको पता है कि एक तरह की वेव है, और ये जो लाइट है ये चारों तरफ में ये जो वेव है वो फ्लक्चुएट करती है। एकदम सरल तरीके से समझिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। लाइट एक तरह की वेव है और वो वेव हर तरफ से फ्लक्चुएट करती है। जैसे देखिए, ये इस प्लेन में भी फ्लक्चुएट कर रही है, हॉरिजॉन्टल भी फ्लक्चुएट कर रही है, वर्टिकल भी कर रही है। हॉरिजॉन्टल को दिखा रखा हमने ब्लू कलर से, वर्टिकल को दिखा रखा है येलो कलर से। अब अगर किसी पोलराइजर से इसको गुजारा जाए तो ये पोलराइज होने का मतलब ये है कि ये बस एक डायरेक्शन में फ्लक्चुएट करेगी ये वेव, जो हॉरिजॉन्टल वाला फ्लक्चुएशन था उसको ख़त्म कर दिया इस पोलराइजर ने, तो इसको कहा जाता है पोलराइज लाइट। पहले था अनपोलराइज लाइट, हर तरह से वर्टिकल भी फ्लक्चुएट कर रहा था
और ये वेव और हॉरिजॉन्टल फ्लक्चुएट कर रहा था। अब यहाँ पे हमने इसके हॉरिजॉन्टल फ्लक्चुएशन को ख़त्म कर दिया विथ हेल्प ऑफ दिस पोलराइजर, तो कहा जाता है पोलराइज्ड लाइट। तो एक तो पोलराइज्ड लाइट पोलराइजर से बनाया जा सकता है, यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से। कई सारे सनग्लासेस भी आते हैं जिसको कहा जाता है पोलराइज्ड सनग्लास, तो उससे होता क्या कि आँखों पर चमक कम पड़ता है। और तो एक तो ऐसे बनाया जा सकता है, कुछ नेचुरली पोलराइज्ड लाइट्स हैं हमारे स्पेस के अंदर, यूनिवर्स के अंदर, उनको ऑब्जर्व करने का काम दिया गया है स्पेसिफाई एक्सपेरिमेंट का। तो स्पेसिफाई एक्सपेरिमेंट में इस पोलराइज्ड लाइट को जो यूनिवर्स के अंदर नेचुरली अवेलेबल है उनको ऑब्जर्व किया जाएगा। ये जो स्पेसिफाई नाम है, इट हैज़ बीन गिवन फ्रॉम अ ग्रीक सन गॉड, डॉटर ऑफ ग्रीक सन गॉड हीलियोस। तो हीलियोस के डॉटर का नाम स्पेसिफाई था, वहाँ से ये नाम दिया गया है। और इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पोलराइज्ड लाइट है स्टार्स के यूनिवर्स में उनको स्टडी किया जाएगा। तो अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझा जाए कि एग्जैक्टली ये काम क्या करेगा और इससे फ़ायदा क्या होगा। तो स्पेसिफाई कैसे काम करेगा, इसको समझने के लिए पहले ब्रीफली समझ लेते हैं कि यूनिवर्स कैसे ओरिजिनेट हुआ। आप सबने पढ़ रखा होगा बिग बैंग थ्योरी। तो माना जाता है कि लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स अगो देर वॉज ए स्मॉल मास इस तरह का दैट एक्सप्लोडेड। एक थ्योरी है बिग बैंग जो कहता है कि लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स अगो एक छोटा सा ग्रैनुलर मास या ग्रैनुलर पार्टिकल इट एक्सप्लोडेड, और एक्सप्लोड होने के बाद जिसको हम लोग कहते हैं उस एक्सप्लोजन को बिग बैंग, धीरे धीरे एक्सपैंड करने लगा और एक्सपैंड करते करते फिर कई सारे सोलर सिस्टम बने, गैलेक्सीज बने, स्टार्स बने, और आज के टाइम में भी ये धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है, इन्फ्लेट हो रहा है। तो 13.8 ईयर्स अगो ये छोटा सा ग्रेनुलर मास था और आज के टाइम में यहाँ तक पहुँच गया है हम लोग, और आगे और भी एक्सपैंड होते रहेंगे। तो यूनिवर्स कीप्स ऑन एक्सपैंडिंग, लेकिन ये तो एक थ्योरी है। अब इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए कोई डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन तो है नहीं, तो ध्यान से समझिए बिग बैंग क्या कहता है। बिग बैंग कहता है कि यहाँ पर एक छोटा सा ग्रेनुलर मास था, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये ग्रेनुलर मास एक्सपैंड हो रहा है। तो 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, 13.7 13.8 बिलियन ईयर्स अगो ये छोटा सा ग्रेनुलर मास था, धीरे 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 बढ़ते 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 हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं आज के टाइम में, टुडे वी आर लाइक दिस। लेकिन आज भी जो आज हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, आज भी वो जो लाइट इस टाइम में निकली थी 13.8 बिलियन ईयर्स अगो जो लाइट निकली थी यहाँ पे, वो लाइट जो होगी वो भी हमारे यूनिवर्स में अवेलेबल होगी कहीं ना कहीं। उन लाइट्स को ऑब्जर्व करेंगी ये स्पेसिफाई एक्सपेरिमेंट्स की मदद से। वो लाइट कैसी होंगी, वो पोलराइज्ड लाइट होंगी, क्योंकि उस टाइम में ग्रैनुलर मास था ना, छोटा सा मास था, एकदम छोटा सा मास था। तो उस टाइम में जो एक्सप्लोजन के बाद जो लाइट निकला होगा वो एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे जो लाइट स्टार्टिंग में जो लाइट निकली होंगी वो आज भी यूनिवर्स में कहीं ना कहीं होंगी, और उन लाइट को कहा गया है कॉस्मिक बैकग्राउंड लाइट या कॉस्मिक बैकग्राउंड पोलराइज्ड लाइट। और ये लाइट जो बिग बैंग एक्सप्लोजन के टाइम में निकली थी वो आज भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स में होंगी, लेकिन दे मस्ट बी इन अ पोलराइज्ड फॉर्मेट। क्यों? क्योंकि उस टाइम में तो एक छोटे से ग्रेन से निकल के आई थी, तो वो पोलराइज्ड फॉर्मेट में होंगी। और ये जो स्पेसिफाई इंस्ट्रूमेंट होगा इसका काम होगा कि ये जो कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन है जिसको हम लोग साइंटिफिकली बी मोड सिग्नल भी कहते हैं, उनको ऑब्जर्व करें। और पूरे दुनिया भर में इस तरह के पोलराइज्ड लाइट को ऑब्जर्व करेंगे हम लोग, और उसके मदद से फिर हम प्रूव कर पाएंगे कि हाँ कभी बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ था, इसी कारण से ये पोलराइज्ड लाइट हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब एक्सप्लोजन हुआ होगा तो उस टाइम में पोलराइज्ड लाइट बने होंगे, और उन पोलराइज्ड लाइट को अगर हमने ऑब्जर्व कर लिया तो दैट विल बी अ काइंड ऑफ डायरेक्ट प्रूफ ऑफ बिग बैंग एंड डायरेक्ट प्रूफ ऑफ एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। अभी तक जो भी हैं कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, इसके लिए बस थ्योरीज हैं, बातें हैं कह लीजिए। तो थ्योरीज क्या होती हैं, बातें होती हैं कि एक ज़माना ऐसा था, ये भगवान थे, ऐसा था, थ्योरीज हैं। और थ्योरीज को सपोर्ट करने के लिए कुछ इनडायरेक्ट एविडेंसेज हैं, सो देर आर सम थ्योरीज एंड इनडायरेक्ट एविडेंसेज ऑफ इन्फ्लेशन और एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, लेकिन देर इज नो डायरेक्ट एविडेंस जिसको आप देख करके बोल दें कि हाँ ये पक्का प्रूफ करता है कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। लेकिन अगर ये स्पेसिफाई एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो दैट विल बी अ डायरेक्ट प्रूफ ऑफ एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी, मतलब बहुत टेक्निकल है, इतना टेक्निकल, देखिए एग्जैक्ट टेक्निकलिटीज़ तो मैं भी नहीं समझता हूँ, लेकिन जितना सिविल सर्विसेज एग्जाम में पूछा जा सकता है उतना सब कुछ मैंने बता दिया है। इसके बाहर जो भी टेक्निकलिटीज़ हैं दैट इज़ बियॉन्ड आवर स्कोप, हमारे एग्जाम में वो नहीं पूछा जाएगा। तो जितना मैंने बताया है क्या वो बात समझ आई कि नहीं आई, ये मुझे एक बार बताओ आप लोग।
तो फिर देखते हैं और इसमें क्या किया जा सकता है। यह जो एक्सपेरिमेंट है पैसिफाई एक्सपेरिमेंट, इसको दुनिया की 3 एजेंसीज मिल करके रन कर रही हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो, साउथ अफ्रीकन एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी और इंडिया से इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन दिस पैसिफाई एक्सपेरिमेंट। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम एनवायरमेंट सेगमेंट, इट इज अबाउट ऑपरेशन ओलिविया एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर 4 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए इसको समझने से पहले, करंट न्यूज को समझने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं ओलिव रिडली टर्टल्स के बारे में। ये दुनिया के सबसे छोटे टर्टल्स में आते हैं। दे आर वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट टर्टल्स ऑफ ऑल सी टर्टल्स। तो सी में पाए जाने वाले सबसे सारे टर्टल्स में सबसे छोटे टर्टल होते हैं एंड दे आर मोस्टली फाउंड इन द वार्म वाटर, मतलब ट्रॉपिकल एरियाज में रहते हैं, पैसिफिक हो या अटलांटिक हो या इंडियन ओशन, उसके ट्रॉपिकल एरियाज में ये ओलिव रिडली टर्टल्स रहते हैं। दे आर वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सी टर्टल। दे आर नोन फॉर यूनिक मास नेस्टिंग। तो ये लोग का जब नेस्टिंग का टाइम आता है, मतलब ब्रीडिंग और अंडे देने का वक्त आता है और उसको ब्रीड करने का जब वक्त आता है, उस टाइम में ये लोग अकेले नहीं करते, दे डू इट इन मासेस, मतलब एक साथ एक बीच पे आएंगे और बीच पे जाकर के सब लोग मिल करके फिर मास नेस्टिंग करते हैं। और मास नेस्टिंग ऑफ ओली रिवली टर्टल इज नोन एज अरीबादा। तो हो सकता है आपसे पीटी में पूछ ले कि मास नेस्टिंग ऑफ ओली रिडली टर्टल इज नोन एज वॉट, यूपीएससी में ऑलरेडी पूछ चुका है। मास नेस्टिंग, मास नेस्टिंग का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वेयर थाउजेंड्स ऑफ द फीमेल्स कम टुगेदर ऑन द सेम बीच टू ले एग्स। ये जो ओलिव रेडी टर्टल है इसका आईयूसीएन स्टेटस भी देख लेते हैं। आईयूसीएन रेड डाटा बुक में इसको कैटेगराइज किया गया है वल्नरेबल की तरह और साइट्स में इसको अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, कन्वेंशन ऑन ट्रेड ऑन इंडेंजर्ड स्पीसीज, उसमें अपेंडिक्स 1 में रखा गया, मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में भी इसको शेड्यूल 1 में रखा गया, मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया गया है। ये जो ओलिव रिडली टर्टल्स हैं इंडिया के अंदर, खासकर इनकी मास नेस्टिंग होती है ईस्टर्न कोस्ट पे, जो ईस्टर्न कोस्ट उड़ीसा से लेकर के आंध्र प्रदेश तक का कोस्ट है, वहाँ पर ये ज़्यादातर ओलिव रिडली टर्टल्स मास नेस्टिंग करते हैं इस एरिया में। देखो कई सारे कोस्ट पॉपुलर हैं इसके लिए, गहरी माथा इन उड़ीसा, ऋषिकुल्या रिवर का जो माउथ है, ऋषिकुल्या रिवर का ये माउथ, ये देखो ये ऋषिकुल्या रिवर का माउथ, दिस इज़ वेरी पॉपुलर फॉर ओलिव रिडली टर्टल मास नेस्टिंग या अरीबादा। तो इस तरीके से दिस होप आइलैंड ऑफ कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ आंध्र प्रदेश इज ऑल्सो पॉपुलर फॉर मास नेस्टिंग। तो ये एरिया में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ के मास नेस्टिंग होती है, यानी कि अरीबादा होता है ओलिव रिडली टर्टल। अब करंट न्यूज़ पे आते हैं। करंट न्यूज़ ये है कि हमारे देश की जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है, ऑपरेशन ओलिविया, टू प्रोटेक्ट दीज ओलिव रिडली टर्टल्स ड्यूरिंग देयर मास नेस्टिंग। ये जो ऑपरेशन ओलिविया है ये हमारे देश की जो कोस्ट गार्ड्स हैं वो 1980 से ही चला रही है, 1980 से ही ये चला रही हैं ऑपरेशन ओलिविया, जिसमें कैसा होता है कि जब भी मास नेस्टिंग का सीजन आता है तो यहाँ पे फिर हमारी कोस्ट गार्ड इस बात का ध्यान रखती है कि ये ओलिव रिडली टर्टल्स को किसी भी तरह का निगेटिव इम्पैक्ट ना झेलना पड़े, ऐसा ना हो कि कोई इनको मारने आ जाए या कोई और किसी भी तरह का इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हो। सो ऑपरेशन ओलिविया इन सिंपल वर्ड्स इज अ प्रोटेक्टिव ऑपरेशन लॉन्च बाई इंडियन कोस्ट गार्ड इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट ओलिव रिडली टर्टल्स go do their mass nesting without any threat, and this operation Olivia is an annual program that is conducted by Indian Coast Guards every year since 1980s. इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको यह प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन और यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इन आर सेगमेंट मोस्ट प्रोबेबल प्रीलिम्स टॉपिक्स फॉर अपकमिंग यूपीएससी टुडे विल कवर टॉपिक नंबर 301 टू 305। टॉपिक नंबर 301 इज अबाउट एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एपीआई, इट इज ऑल्सो नोन एज बल्क ड्रग्स। इट इज़ द की इन्ग्रीडियंट ऑफ अ ड्रग और अ मेडिसिन विच लीड्स टू विच लेंड्स इट द डिजायर्ड थियोरेपेटिक इफेक्ट्स और प्रोड्यूसेज द इंटेंडेड फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल पैरासिटामोल की बात की जाए तो इसका जो बल्क ड्रग होता है या एपीआई जो होता है विच एक्ट अगेंस्ट पेन, और वही होता है उसका मेन प्रोडक्ट। उसके अलावा एपीआई के आसपास में बाइंडिंग एजेंट्स लगाए जाते हैं, सॉल्वेंट्स लगाए जाते हैं ताकि ओवरऑल वो प्रोडक्ट जो है वो डाइजेशन में या इंजेशन में काम आए। तो जो मेन जो दवाई होती है उसमें एपीआई जो मेन प्रोडक्ट होता है या बल्क ड्रग होता है वो बहुत कम होता है, उसके आसपास में सॉल्वेंट होता है ज़्यादा। ये एपीआई ज़्यादातर हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, 70% से भी ज़्यादा हम एपीआई चाइना से इंपोर्ट करते हैं। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 301।
Topic number 302 is about aerial space mission. This mission has been brought by European Space Agency और इसको launch किया जाएगा 2019 में, जिसका main purpose होगा that it will perform a large scale survey over thousands exoplanets. तो हमारे solar system से बाहर के जो planet हैं उनको study करेगी ये aerial space mission. Please attempt this question. Exoplanet actually कैसा होता है कि जो inner ring है हमारा solar system का, उसके बाहर के planets को study करता है, उसको हम लोग कहते हैं exoplanet. Please attempt this question based on topic number 302. Topic number 303 is about vital statistics of India based on civil registration system. So ये report publish किया था Registrar General of India ने. It throws light on sex ratio of various states of our country. Sex ratio at birth is also represented in this report. हम इस report के हिसाब से best sex ratio वाला state है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे sex ratio है 1084, मतलब for per 1000 males there are 1084 females. उसके अलावा दूसरे नंबर पे है नागालैंड, जहाँ पे 965 है, मिजोरम 964, केरला 963, कर्नाटका 957. जो वर्स्ट स्टेट है एज फार एज सेक्स रेशियो इज कंसर्न वो है पंजाब विद सेक्स रेशियो ऑफ 896. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ट ऑन टॉपिक नंबर 303. टॉपिक नंबर 304 इज अबाउट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात ध्यान देंगे, इसी महीने 4 जून को मैंने एक आर्टिकल कवर किया था रिगार्डिंग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. वहाँ पे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशंस दिए थे आपको, उन इन्फॉर्मेशंस वो इन्फॉर्मेशंस अपडेटेड नहीं थे. क्यों? क्योंकि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को अमेंड कर दिया गया था अकॉर्डिंग टू एन अमेंडमेंट ब्रॉट इन 2019. तो इसी कारण से मैंने उसको वापस से वो आर्टिकल को हटा दिया है और यहाँ पे मैं अमेंडेड पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा हूँ. तो इस पे ध्यान देंगे, जो 4 जून वाला आर्टिकल है उसको मैंने करेक्ट कर दिया था थ्रू अ कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन, तो उसको एक बार के लिए छोड़ेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ये एक स्टैचूटरी बॉडी है, मतलब एक ऐसी बॉडी जिसको कानून से बनाया गया है, और ये कानून है ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993. इस कमीशन के अंदर मल्टी मेंबर बॉडी है, मतलब कई सारे मेंबर होते हैं. इनका एक चेयरमैन होता है और 5 मेंबर्स होते हैं. तो चेयरमैन शुड बी अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. एंड मेंबर्स में से कैसा है कि एक मेंबर होना चाहिए शुड बी सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दूसरा मेंबर होना चाहिए सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट. उसके अलावा जो 3 लोग होने चाहिए आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन शुड बी अ वुमेन शुड हैव, ये जो बाकी 3 लोग हैं उसमें से कम से कम एक वुमेन होनी चाहिए. एंड दिस 3 पीपल शुड हैव नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट्स. तो ये तो हो गए 5 परमानेंट मेंबर्स. उसके अलावा 5 होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स. ये एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड नेशनल एंड द चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी. इन सारे जो लोग हैं ये सब लोग होंगे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स. तो ये लोग भी साथ ही साथ मेंबरशिप इनकी होगी इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ट ऑन टॉपिक नंबर 304. टॉपिक नंबर 305 इज अबाउट आरसीईपी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप. इट हैज टोटल 15 कंट्रीज, 10 आसियान कंट्री हैं और बाकी के 5 कंट्री हैं ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड. पहले इंडिया भी इसका हिस्सा था, लेटर ऑन इंडिया पुल्ड आउट ऑफ इट. द ग्रुप इज एक्सपेक्टेड टू रिप्रेजेंट एटलीस्ट 30% ऑफ ग्लोबल जीडीपी एंड विल इमर्ज एज द लार्जेस्ट फ्री ट्रेडिंग अग्रीमेंट इन द वर्ल्ड. कॉन्टेक्स्ट क्या है, हाल फिलहाल में द आरसीईपी वॉज हेल्ड रिसेंटली अमंग्स द मेंबर कंट्रीज इन द साइडलाइंस ऑफ 37th एशियान समिट. तो इनिशियलाइजिंग सेरेमनी ऑफ आरसीईपी हैज बिन डन एंड इसके साथ ही आरसीईपी हैज बिन कॉन्स्टिट्यूटेड. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 305. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 296 to 300 दैट वी आर गिवन इन यस्टरडेज न्यूज पेपर एनालिसिस. टुडेज क्वेश्चन कैन बी अटेम्प्टेड बाय स्टूडेंट्स एंड कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन. विल बी सेंडिंग आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन इन टुमारोज न्यूज पेपर एनालिसिस. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. जो तो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. अंडर दिस स्कीम देर विल बी अ यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ 2%. दिस इज रॉन्ग. अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग है. खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5%. तो ये गलत है स्टेटमेंट. ऑल फार्मर्स ग्रोइंग नोटिफाइड क्रॉप्स इन नोटिफाइड एरिया ड्यूरिंग सीजन हु हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द क्रॉप आर एलिजिबल. एब्सोल्युटली करेक्ट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. 3C में जो हाल फिलहाल में न्यू अटलांटिक चार्टर साइन किया गया उसमें 3C जो थ्रेट था उसमें कौन सा सी नहीं है. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, साइबर थ्रेट. और इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच. तो तीनों के तीनों गलत हैं. वेरिटास हैज बिन ब्रॉड बाय नासा, इनविजन इज बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड अकात्सुकी इज बाय जापान. सो ऑल द 3 आर रॉन्ग. ऑल ऑफ द 3 आर वीनस प्रोब मिशन. सो दैट्स ऑल फ्रॉम आर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.